जयपुर के हवा महल से विधायक चुने गए बाल मुकुंदाचार्य, और सरकार बदलते ही बाल मुकुंदाचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा। आज वो शहर के अंदर वॉल सिटी के अंदर उन दुकानों पर पहुंचे जो मीट बिक्री है। उनका ये आरोप है कि खुले के अंदर मांस बेचा जा रहा है, और इसलिए आज वो कई दुकानों पर पहुंचे आसपास में। आप भी खुले में बेचते हैं क्या? ना सर, खुले में नहीं। बाबा जी आए आपके पास? नहीं आए, नहीं आए, यानी आए? अभी नहीं आए। तो ये वो कह रहे हैं कि बंद करना होगा, खुले में बेच रहे हो? वही तो, वहाँ पर लाइसेंस है, खुले में बेचते नहीं, अंदर ही बेचते हैं। आपके पास तो लाइसेंस है जी, खुले में नहीं बेचते हैं? नहीं। और आपको क्या लगता है खुले में बिक्री बंद होनी चाहिए? खुले में बंद होना चाहिए अपने हिसाब से, अंदर ही। आपको क्या लगता है? अंदर ही बिल्कुल एहतराम से बेच रहे हैं, कांच वाँच लगे हुए हैं, सारी चीजें हमेशा ऐसे ही बेच रहे हैं या आज बेच रहे हैं? आज आपको लगता है हमेशा बेचते हैं हम तो ऐसे ही हमेशा बेचते हैं, हमेशा ऐसे बेचते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो खुले में जिसपे वो कह रहे हैं कि खुले में जितनी बिक्री है वो बंद होनी चाहिए? तो खुले में तो ऐसा है, सिर्फ मीट ही नहीं, बहुत सारी चीजें जो अनलीगल है वो बिकती सर। जैसे आप अंडों के ठेले ले लो या मीट की कोई दुकान, अगर जो अनलीगल है उसको ठीक है, उसी में हम समर्थन करते हैं। बाकी अभी भी अभी जो इन्होंने एंट्री करी है वो सिर्फ इस वजह से करिए कि एक मुस्लिम को, जैसे गोश्त की दुकान हुई या किसी की दुकान है, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट वही बनाया गया है। पब्लिक में ये दिखाया जा रहा है कि हम जिस मुद्दे पर आए थे हम वही करेंगे, मतलब वो एमएलए बन के लिए आए, वो ये करने आए कि हम मुसलमानों को परेशान करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरा मुसलमानों से संबंध नहीं, मैं तो चाहे कोई हिंदू भी हो वो अगर खुले में बेच रहा तो वो रुको। सर को खुले में पीछे बिकते हैं हमारे साहब? शाम के वक्त अंडे के बहुत सारी लारियाँ लगती हैं, ठेले लगते हैं, तो शाम को देखेंगे कि ये इनका टारगेट कहाँ पे तक है, कि एक सिर्फ जो है माइनॉरिटी को ही टारगेट करा है या मेजोरिटी को भी टारगेट करा है। वो कह रहे हैं कि 117 के पास ही लाइसेंस है, हजारों खुले के अंदर बिक्री है। देखिए यहाँ पे जितनी भी दुकान है इस रोड पे, तीन चार जो दुकान है वो सबके पास लाइसेंस है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि जो लाइसेंस नहीं जिनके पास में, वो कह रहे हैं वो सब अवैध है, वो बंद होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, हाँ बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जिनके पास लाइसेंस नहीं बंद होना चाहिए, लाइसेंस नहीं उनके पास बंद होना चाहिए। ये तो है, लाइसेंस वाले तो चलेंगे दुकान तो खुलनी चाहिए। हाँ। लाइसेंस वाले तो, ये तो बाप दादा के जमाने की है, 100 साल पुरानी। बाबा जी तो कह रहे हैं कि 117 के पास ही लाइसेंस है, बाकी सब अवैध रूप से। बाबा जी कौन से आए यहाँ पे? हाँ? यहाँ कौन से आए बाबा जी? यहाँ पे बाल मुकुंदाचार्य। हाँ तो कहाँ से आ गए हो, कब देख लिया उन्होंने आके यहाँ पे? यहाँ कब देख लिया उन्होंने? बाबा साहब का तो क्षेत्र नहीं लगता, बाबा साहब का क्षेत्र तो सामने वाला है, ये तो अमीन कागजी साहब का क्षेत्र है। लेकिन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरे परकोटे में बंद करवाऊंगा। क्यों बंद करवाऊंगा, ये तो दादागिरी थोड़ी चल रही है, कोई ताना चाहिए थोड़ी, तो परकोटे के अंदर बंद करवाऊंगे। किस बात का बंद करवाओगे आप, किस मकसद के ऊपर बंद करवाओगे आप, कि लेना देना क्या आपका बंद करवाने का, कि हम कमा के नहीं खा सकते? क्या तुम ही कमा करके खाओगे? बेफिजूल की लड़ाई, बेफिजूल का झगड़ा, एक दिन हुआ नहीं बस एमएलए बने हुए, चप्पा तो मिली नहीं और पहले से पहले झगड़ा तैयार। ये कोई तरीका थोड़ी परेशान करने को पब्लिक को? तो यार क्या जियो जीने दो, अभी तो बैठा भी नहीं सीट पे, क्या मतलब है किसी को परेशान करने का? पर किसी का धंधा धंधा उजाड़ देगा धंधा उजाड़े, पहले दारू उठाओ, ये मंदिर के पास दारू है, कोई दारू की दुकान मंदिर के पास? चोरी डकैती सारी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर दारू के ठेके खुले 11-11, 12-12 बजे तक, फिर इनको कौन बंद करवाएगा? बस एक लगता है कि अगर वो अवैध की बात कर रहे हैं तो अवैध सब बंद होना चाहिए, केवल मांस की दुकान नहीं। हाँ जी, अवैध तो बंद होना चाहिए, वो आपकी बात सही है। जिस तरीके से दारू के ठेके खुल रहे हैं और भी चोरी चकारी जो भी हो रही है रोड के ऊपर, उसको कौन करेगा? हाँ अगर बंद हो तो सब हो, सब हो बिल्कुल, चोरी थोड़ी बिल्कुल, एक को टारगेट थोड़ी सब टारगेट होंगे। यहाँ पे दारू बिक रही है खुले आम, रातों को दारू बिक रही है, उस पर तो कोई काम ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है बिल्कुल। रातों को सारे काम हो रहे हैं, 8 बजे बाद दारू के ठेके बंद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे गली के अंदर शटर हल्का सा ऊपर करके रात को 12-1 बजे तक शराब बिकती है, ये अवैध नहीं है क्या? नशे की बहुत सारी चीजें बिकती है इस इलाके के अंदर। ये अगली बार बाबा जी आएंगे तब उनको कहेंगे पहले ठेके बंद करवा दो? नहीं नहीं, 8 बजे बाद देखो, बाबा जी से हम एक ही चीज कहेंगे कि जो लीगल है वो चीज आप करो, जो अनलीगल है, जो अनलीगल है सबके लिए बात करो आप। आज यहाँ पे जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है तो आप सबके हक में बात करें, ना कि सिर्फ एक ही समुदाय को जो है टारगेट किया जाए। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो बाल मुकुंदाचार्य का वीडियो वायरल हो रहा है, जयपुर से जो विधायक चुने गए हवा महल से, अब यहाँ जनता का ये कहना है कि आप केवल इस पे बात नहीं कर सकते हैं कि अगर मांस अवैध रूप से बिकता है तो उसको आप बंद करवा दें, बंद करवाना हो तो दारू की दुकान, दारू अवैध रूप से बिक रहा वो बंद हो, बाकी चीज़ें जो अवैध चल रही है वो बंद हो, एक के साथ नहीं हो, टारगेट नहीं किया जाए धर्म के आधार पर। बिल्कुल सर, कैमरा सर मनीष के साथ, जयपुर, मेजर इन इंडिया।